हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। समस्त को जणाई दाउ चाहे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जो तुमने वेट करथिलो तो एएसओर पोस्ट ऑलरेडी आसी सारी तो तुमने डेट मध्य अप्लाई डेट तुम आसी सारी तो देख टे मुझे समस्त जणाई दाउ चाहूँगी तुमने opsc.gov.in तुमने निजे सर्च कर जापरेंगे आप मोबाइल रे तो निजे गलापर टे स्क्रल कर जितने आसवे इंटरफेस तुम जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपीएससी तो देखिए आप नोटिफिकेशन जब देखिए आप 31 डिसेंबर 2021 लिखा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो जहाँ व्यू पीडीएफ ये अच्छे आपको आप डाउनलोड करने पे तो डाउनलोड कला देखो आप ऑफिशियल जो रही नोटिफिकेशन से डिटेल्स निजे स्क्रॉल कर निजे पढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं तो मुझे आपको समअप करदेवि बहुत कम समय भितर डिटेल्स कहीदेवि जहाद्वारा तुम्हारे डिटेल्स आईडिया आसीज ये जो पोस्ट रिगार्डिंग देखिए फास्ट पोस्ट पाक आसी तो जो नुआ नोटिफिकेशन टी आसी एएसओ तो जो थे वैकेंसी के तुम्हारे ये तुम देखिपर 796 तो ये समस्त देखी दियो तो 796 रो पोस्ट अच्छी तो 796 टी पोस्ट अच्छी तो डिफरेंट कैटेगोरी मिसमिशिक अच्छे जनरल कैटेगोरी आरंभ कर SC ST एवं PWD कैटेगोरी पर्यंत तो देख पाने ये जो पोस्ट आप जेहेतु ग्रुप बी पोस्ट टी जार सालरी स्टार्ट होती तुम्हारे 35,000 रु स्टार्ट 400 रु तो यहाँ तुम्हारे 65,000 बा 64,000 पाखापाखी जाटा आपंकर विभिन्न जो रही एक्स्ट्रा आलाउन्सेस मिलला पर यहाँ पाखापाखी तुम हो किसी वर्ष चाकरी कलापर तो सीटा तुम 60,000 रु एभव हो ठीक अच्छे तो यहाँ तो आप चाकरी कलापर आप देखिए आम नोटिफिकेशन रिगार्डिंग देखा इंपोर्टेंट डेट जो रही रजिस्ट्रेशन डेट देख समस्त मन रख 20/1/2022 रु स्टार्ट हे January 20 तारीख रु स्टार्ट हे 2022 रु स्टार्ट हे आपंकर रजिस्ट्रेशन एवं 19 फेब्रुआरी पर्यंत चलो 2022 पर्यंत आपंकर अप्लाई एवं रजिस्ट्रेशन जोटा आप कहते लास्ट डेट आपंकर देखिए अप्लाई डेट छड़ा आप जो रही ऑनलाइन पेमेंट आप कर डेट रही 25/2/2022 तो February 25 पर्यंत लास्ट रही यहाँ को आपको अप्लाई करने देखो टी जो एज कथा आम देखा डिटेल्स कथा जो एज आप पचार के एज अप्लाई करेंगे तो जेहे ये ग्रेजुएशन वाला पोस्ट बात गोटे ग्रुप बी वाला पोस्ट तो ओब्विस्ली यहाँ 21 रु स्टार्ट 32 वर्ष पर्यंत रहिबो किंतु ये धारणा देवार अच्छी 1 January सुधा आपन को हो जा कथा 21 रु 32 भितर ना आप अप्लाई करें तो ये देख टे एज कथ कहूँ तो आप एज रिलैक्सेशन कंपलसरी अच्छी जो मैंने रही आप SC ST जो कैंडिडेट अच्छा ता सहित तुम जो मैंने SCBC कैंडिडेट अच्छा तो ओब्विस्ली 5 इयर्स तो रही सहित जो मैंने अच्छा PWD कैंडिडेट तो से मानक रही 10 इयर्स तो 10 इयर्स तो समस्त देखी दिंतु जदि PWD थी कि SC ST कैटेगोरी अच्छी तो से 15 इयर्स पर्यंत एज रिलैक्सेशन रही तो यहाँ सिंपल प्रोसीजर प्राय समस्त जानते हैं मुझे जनईदी तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाक जो आम आसे तो मुझे पूर्व जेहेतु यहाँ गोटे ऑफिसर पोस्ट तो यहाँ आप बैचलर डिग्री मागे और सहित इन एनी डिसिप्लिन तो ये समस्त देखिद जदि आप आर्ट्स आप कैंडिडेट बापर कमर्स कैंडिडेट जदि आप साइंस अच्छे तो जो भी कैंडिडेट अच्छा ग्रेजुएसन कम्प्लीट करते अप्लाई करेंगे जदि आपर इक्वालांट कौन ग्रेजुएसन लेवल्र कौन आप जो रही इंजीनियरिंग देन आपको अप्लाई करेंगे तो ये गोटे कथा मुझे आपको कही रखे एंड मस्ट हाव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इन कंप्यूटर नॉलेज तो आपको कंपलसरी कंप्यूटर नॉलेज रहा दरकार जब ये पोस्ट को आपड़ अप्लाई करते एग्जामिनेशन फी सिंपल जिनस 5,000 sorry 500 समस्ते देते तो जो मैंने SC ST ता सहित तो जो मैंने PWD तो ये जो रही ओमेन कथा लिखा जाए SC ST PWD एम पैसा देवे ना एग्जामिनेशन फी एग्जामटेड तो एग्जामिनेशन फी तो ओनली जो मैंने रही जनरल कैटेगोरी तो जो मैंने रही SC BC तो ओमेन एम समस्ते 500 समस्ते देवे मेथड अफ सिलेक्शन पाक जा समस्ते जानवाक चाहते कौन केमी कौन एग्जामिनेशन हम पूर्व पैटर्न जहाँ था तो से अच्छी जो मैंने जानना मुझे कहवाक चाहे रिटेन टेस्ट हम गोटे एग्जामिनेशन जोटाक ऑब्जेक्टिव टाइप हम MCQ आकार तो केते मार्क हम कौन हम तले दी जाए डिटेल्स देखा और सेकेंड जो हम स्किल टेस्ट कंप्यूटर रे तो यहाँ प्राक्टिकल क्वालिफाइंग इन नेचर तो यहाँ टी तुम्हारे प्राक्टिकल तुमको दे पारती यहाँ ऑब्जेक्टिव नुहे ठीक अच्छे नेक्स्ट देख पे तुम्हारे जो रही सिलेबसर स्कीम पाक आम पलि आसा देख टे समस्त कह रखे 100 मार्क हम जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन जो पूर्व से 100 क्वेश्चन 100 मार्क
तो तुमको 1.5 आवर टाइम मिले। तो से हिसाब से टोटल रिजनिंग और मेंटल एबिलिटी 50 मार्क, मैथमेटिक्स देखो लिखाई 10th स्टैंडर्ड लेवल पर्यंत, तेणुक अधिका लेवल जबार नहीं, मैथ और रिजनिंग मिसिक 100 मार्क, तो सी भी तुम 1.5 आवर, तार 3 आवर टोटल तुम मैथ रिजनिंग और जनरल अवेयरनेस एवं लैंग्वेज पेपर रही IIIA बा IV रे। लैंग्वेज आपंकर इंग्लीश आसो ओडिया आसो, तो इंग्लीश रु 100 मार्क और ओडिया 100 मार्क, सब से पे जी क्वेश्चन से आपंकर रही क्वेश्चन से मार्क, तो 2 आवर टोटाल अच्छे, तो यदि आम मिसई दूचे ये 3 आवर 2 आवर 5 आवर एवं जोड़ाक 5 घंटार टेस्ट रे तुमको लांगुएज ओडिया इंग्लीश मैथमेटिक्स रिजनिंग सहित तुमको जो रही जनरल अवेयरनेस, तो संपूर्ण मार्क तुमको देवार अच्छे। जो मैंने क्वालिफाइड करेंगे ये जो फास्ट जो प्रिलिमिनरी जोटा आम कहे से प्राक्टिकाल टेस्ट को देवा जाए जोटा स्किल टेस्ट अच्छे कंप्यूटर, तो यहाँ 50 मार्क आसो जोटाक तुम रही नंबर ऑफ क्वेश्चन हूँ 5 5टा क्वेश्चन 50 मार्क, 10 क्लास लेखाएं बोध हुए मार्क एवं 1 आवर टाइम तुम मिल जो मैंने क्वालिफाई करेंगे से जी लिखाई पे से विषय में माइनस मार्किंग अच्छी एग्जाम 0.25 मार्क माइनस मार्किंग हम समस्ते टे देखि दिंतु। हाँ तो डिटेल्स यदि चाहूँ देखापी पेपर 1 जो जनरल अवेयरनेस रही आपंकर करेन्ट इवेंट रु क्वेश्चन आसो, इंटरनेशनल इवेंट रु क्वेश्चन आसो, हिस्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी क्वेश्चन आसो, वर्ल्ड जियोग्राफी फिजियोग्राफी विषय अच्छी, तुम जियोग्राफी रही तुम इंडिया रो सहित ओडिशा रो, तो जियोग्राफी तार्थ सब जियोग्राफी तुमको पढ़ा पड़ा पॉलिटी विषय, हिस्ट्री किंतु लेची तुम्हारे ब्रिटिश रूल तार्थ तुमको पढ़ो मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन आसो ओनली तुमको हिस्ट्री। तापर जब हम जा इंपोर्टेंट जो आस्पेक्ट रही गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस रोल ऑफ सिविल सर्विसेज तापर क्वेश्चन आसो, इकोनॉमिक्स रु क्वेश्चन अच्छी एगुड़ा टी समस्त देखा पड़ो, डिफेन्स और इंडियन आर्मड फोर्सेस रु क्वेश्चन आसो, डिटेल सिलेबस ऑलरेडी। तापर तुमको ये साइंटिफिक इन्वेंशन क्वेश्चन आसो, इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक तुम्हारा हो पारे WHO विषय में पचारि पारे, UN विषय में पचारि पारे, BRICS विषय में पचारि पारे, एगुड़ा तुमको क्वेश्चन अच्छी जनरल अवेयरनेस जो 100 मार्क क्वेश्चन आसो। रिजनिंग जो मेंटल एबिलिटी वर्बल और नॉन वर्बल, तो प्राय समस्त जानते देखे नियंतु जहाँ डिटेल्स में देती। मैथमेटिक्स तो सब पढ़िया नहीं, आरिथमेटिक अलजेब्रा मेन्सुरेसन स्टाटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो ओब्वियसली प्रायत सब जगह लिखाई जदि 4टी लिखाई जदियो कि प्रायत सब जगह एरिथमेटिक सब जिन आस अलजेब्रा मेन्सुरेसन स्टाटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, तो ये भी तुम्हारा आसो क्वेश्चन। तापर आम जा पेपर 3 तुम जो लांगुएज पेपर अच्छे इंग्लीश और ओडिया, तो डिटेल्स लिखाई ग्रामर पार्ट रू क्वेश्चन आसो, भर्ब प्रिपोजिशन एडवर्ब सब्जेक्टिव ता सहित तुम जो रही वर्ब एग्रीमेंट एरर करेक्शन रिकॉग्निशन टेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सब जाए इंग्लीश रो क्वेश्चन आसो, कॉम्प्रिहेंशन गोटे आसो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आसो इंग्लीश रु जो 50 मार्क अच्छे, ओडिया भी जो आसो 50 मार्क, तो व्याकरण रु क्रिया भ्रम संशोधन चिन्हट करवा काल अतीत वर्तमान भविष्य, तो ये टेन्स पड़ो भाषा ज्ञान परीक्षण हो प्रति शब्द विपरीत प्रायत जहाँ अच्छे तुम से उल्टे दि जाए ओडिया कहुच्छे अनुच्छेद वाक्य पुनर्विन्यास जहाँ इंग्लीश अच्छे ओडिया से, तो जो स्किल टेस्ट हे जोटाक तुम्हें ये क्वालिफाई कलापर, तो से तुम विंडोज MS Office, Word, Excel, PowerPoint, MS Access, Uses of Internet Services, तो यही क्वेश्चन आसो तुमको प्राक्टिकल परीक्षा जोटा तुम हम जो नेक्स्ट हम 50 मार्क, तो ये डिटेल्स थिला, आई होप समस्ते डिटेल्स बुझीपारे जदि भल लगे समस्त को दिल से गोटे गोटे लाइक को सेसन को कर दियो एवं यही नोटिफिकेशन पाया चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कर दियो, पे नेक्स्ट वीडियो देखा तुम्हारा सहित नेक्स्ट कौन सी नोटिफिकेशन वीडियो रे।